हेलो नमस्ते दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी नया आधार कार्ड मंगाना चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो आप कैसे नया आधार कार्ड मंगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। और लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग को कमेंट करके ये भी पूछ रहे हैं कि नया आधार कार्ड कैसे मंगाएं, और साथ में और भी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें। दोस्तों डाउनलोड करके कुछ फ़ायदा नहीं है, डाउनलोड करेंगे तो अगर आप जब कहीं पे प्रिंट कराने जाएंगे तो प्रिंट कराने का कलरफुल आपको कम से कम 20 से 30 रुपए चार्ज लिया जाएगा अगर आप कलरफुल प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो। और वो आपको इतना ही कलरफुल प्रिंट आउट का आपको कम से कम 20 से 30 रुपए लेंगे, और प्लस जब आप उस पे जो प्लास्टिक का कवर जो जिसको हम लोग लेमिनेशन बोलते हैं अगर वो आप कराते हैं तो उसका भी 20 से 25 30 रुपए लेते हैं। तो समझ लीजिए ऐसे करके आपको 50 से 70 रुपए तक का चार्जेस पूरा बिठा देते हैं। लेकिन ये जो मैंने मंगाया है सिर्फ 50 रुपए में मंगाया है, और बाय गवर्नमेंट की तरफ से आया है और बाय पोस्ट आया है, ये स्पीड पोस्ट की तरफ से। जो हमारा फर्स्ट आधार कार्ड जो आया था उस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों वो ऑफिशियली रहता है, वो फर्स्ट टाइम आता है इसके लिए उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं रहता है। लेकिन अब जब दोबारा आप मंगाएंगे तो यहाँ पे साफ 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 लिखा हुआ है स्पीड पोस्ट की तरफ से आया हुआ है करके। तो ये पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही दिखता है जो फर्स्ट टाइम दिखता है, और पूरा का पूरा कलरफुल है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब जैसे कि समझ लीजिए आपको लेमिनेशन कहीं पर कराने की जरूरत जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो है अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये जो है यहाँ पे एक सीजर का ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, यहाँ पे से अगर आप कट भी कर करके आप अपने जेब में भी रख सकते हैं और कहीं पर भी लेकर के आवर जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ से ये जो दिया है ऑप्शन कट करने का, ये इसीलिए दिया है कि हम लोग अपने पॉकेट में कैरी कर सके, ठीक है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं डाउनलोड कैसे करें डाउनलोड कैसे करें। तो डाउनलोड करने से अच्छा आप सिर्फ 50 रुपये सीधा सीधा लगा दीजिए, डायरेक्ट आपको ओरिजिनल आधार कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है कि नया आधार कार्ड कैसे मंगाते हैं इस बाय स्पीड पोस्ट के जरिए, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको एक बार जरूर देखिए और अपना नया आधार कार्ड मंगाइए। डाउनलोड करने से अच्छा नया आधार कार्ड मंगा लो सिर्फ 50 रुपये में। दोस्तों ये इसमें मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप समझ लीजिए जो आपका नुकसान होगा 50 से 60 70 रुपए तक का वो ना हो, कम से कम खर्चे में आपका काम हो जाए, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। तो जाइए उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट कीजिए, और आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ और भी समस्या है तो उसके लिए भी फटाफट कमेंट कीजिए। चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।